हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ज़ॉम्बीज की बात करने वाले हैं। क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। Not bacteria, not viruses, so fungus. So if that happens, we lose. तो ये कहानी छुपी है हमारे खूबसूरत से जंगलों के अंदर। ये कहानी है एक पैरासाइट के बारे में, एक फंगस के बारे में, जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स। ये है ऑफियोकॉर्डिसेप्स। ये शिकार बनाता है मासूम सी चींटियों को, कई इंसानों को भी शिकार बना सकता है। जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इस भयानक कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक चींटी उस फंगस के स्पोर से इन्फेक्ट हो जाती है। ये फंगस धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है और अल्टीमेटली उसके नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लेता है, उसे कंप्लीटली हाईजैक करके उसे एक ज़ॉम्बी बना देता है। अब ये चींटी उस फंगस के इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली है। वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। जमीन के अंदर अपनी कॉलोनी में ना जाकर वो जाने लगती है ऊपर की तरफ। वो बढ़ती जाती है वहीं पर जहां उसे ले जाता है ये फंगस। छटपटाती हुई चींटी एक आखिरी काम करती है। वो किसी पत्ते को या किसी टहनी को कसकर पकड़ लेती है अपने मैंडिबल्स से और बस वही इंतजार करती है अपनी मौत का। अब ये चींटी एक टाइम बॉम्ब की तरह है। धीरे धीरे ये फंगस उस चींटी के पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है और अंत में उस चींटी के शरीर को चीर कर बाहर निकलती है उसी फंगस की फ्रूटिंग बॉडी। और बस यही पे होता है उस चींटी का the end। बट स्टोरी अभी तक खत्म नहीं है। इस फ्रूटिंग बॉडी से इतने सारे स्पोर्स निकल सकते हैं जो कि उस एंट की पूरी कॉलोनी को खत्म कर सकते हैं। और ये साइकिल इसी तरह चलते रहते हैं। दोस्तों, नेचर में कॉर्डिसेप्स की कुल 600 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और हैरत की बात तो ये है कि हर प्रजाति किसी ना किसी दूसरे एनिमल को अपना टारगेट बनाती है। थैंकफुली आज तक हमें कॉर्डिसेप्स की कोई ऐसी स्पीशीज नहीं मिली जो इंसान को अपना टारगेट बनाए। लेकिन सोचने की बात यह है दोस्तों कि क्या हो जाएगा अगर ये इंसानों को अपना टारगेट बनाने लगेगी। क्या किसी दिन हमें कोई स्पीशीज ऐसी मिल जाएगी जो इंसानों को होस्ट बनाए? क्या ये इंसान के इतिहास का आखिरी पेज बन जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिना भूले मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना आने वाली नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।